नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग आने वाली 17 अक्टूबर 2022 तक घर बैठे बिल्कुल फ्री में ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे और सेंड भी कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोग केवल 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप सभी लोग ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और अच्छी सी परमानेंट सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो अगर आपका सपना है अपने गांव या ज़िले के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। और अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराना चाहूँगा। बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें और बिना किसी डाउट के अप्लाई करके आप लोग जॉब पा सकें। तो पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि आपको ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी आसान है। 10वीं या 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। महिला या पुरुष किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात कि यहां पर बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के हिसाब से होने वाला है। इसके अलावा मेरिट बनेगी आपके 10th 12th की मार्कशीट के अनुसार, कितने नंबर आपको मिले हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट जनरेट की जाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां से आपको मैं एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखा दूंगा। यहां पर आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरने हैं। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। ऐसी भर्तियां बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। सिर्फ हमारे ही चैनल पे इन वैकेंसीज को कवर किया जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। तो अगर आप लोग भी गाँव या जिले के अंदर सरकारी नौकरी पाने का सपना रखते हैं तो अभी के अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आगे भी आप सभी के लिए करंट अपडेट्स लेकर आते रहें। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको आगे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके सामने है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर जो भर्तियाँ हैं उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है सेल्फ अटेस्टेड क्रॉस सिग्नेचर करके। यहां पे देखिए, सबसे पहले अपना नाम डाल देंगे, सेकंड नंबर फादर्स नेम है ऐड कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ, यहां पे थ्री स्टेप्स हैं, यहां पे आपको इन फिगर्स में एंड वर्ड्स में भी यहां पे लिख देना है। इसके बाद आपको कैटेगरी बतानी है, जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट है यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर डाल दीजिएगा, ताकि ये आपको मेरिट के बारे में सूचना दे सकें। और एक ईमेल आईडी यहाँ पे @ लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको ईमेल का नाम उसके बाद gmail.com है या फिर क्या है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर है मेल एंड फीमेल, यानी कि महिला है कि पुरुष है आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, एड्रेस जरूर फुल डालिएगा। इसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे इतनी सारी क्वालिफिकेशन देख के डरिए नहीं, क्योंकि इतनी सारी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा नहीं है। बस ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास है तो आप इसकी डिटेल दे दीजिए। मेन यहाँ पे है 10th और 12th, यहाँ पे +2 अगर आपके पास है तो कितने नंबर ऑब्टेंड है, कितने नंबर आपको मिले, कितने नंबर का टोटल एग्जाम था, और इस
हिसाब से कितने परसेंट आपके बने हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग ग्रेजुएशन का दे सकते हैं। बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं 1 ईयर का। उसके बाद एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप दीजिए, क्योंकि इससे आपको अदर बेनिफिट मिलेगा सिलेक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पे 10, 11 और 12 के अंदर कुछ चीज़ें पूछा गया है, जैसे कि इज दी कैंडिडेट हैंडीकैप। अगर आप लोग हैंडीकैप हैं, यानी कि आपको बताना है कितने परसेंट डिसेबल है फिजिकल से, 40% से ऊपर है कि 40% से नीचे है, एस और नो में आपको आंसर कर देना है। बीपीएल कार्ड के बारे में बोला गया, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस और नो कर देना है। और इसके अलावा रेसिडेंट के लिए, एड्रेस के लिए पूछा गया है कि एनी ब्लॉक के हैं कि नहीं, ये बताना है आपको एस और नो में। डिक्लेरेशन मिल जाएगा आपको, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट मिल जाएगा, आपको सिग्नेचर करना होगा। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड टू बी अटैच, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे फोटोकॉपी के रूप में, और उनमें सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको सिग्नेचर भी जरूर से कर देने हैं। देखिए, पहले आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा एज की प्रूफ के लिए, सेकंड नंबर हो जाएगा क्लास 12th का मार्कशीट जो कि इन्होंने रिक्वायरमेंट के अंदर डाला है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, डिग्री है, इफ़ एप्लीकेबल तो आप लगा सकते हैं। बीपीएल सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, इसके बाद एससी एसटी ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको लगा देना है। अगर आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ है ऐसा नो करके, तो आपको अगर यस किया तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा देना है। और एड्रेस के प्रूफ के अंदर मैं बता देता हूं कौन कौन सी चीजें आप लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, बीपीएल भी लगा सकते हैं, क्योंकि एड्रेस दोनों में होता है, बस एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये 7 चीज़ें आपको इस फॉर्म के साथ में भर के देनी है। अभी हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा नोटिफिकेशन भी है। यहाँ पे बोला गया है कि ऑफिस ऑफ दी सीईओ पंचायत समिति कम ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन की डेट भी मेंशन करी गई है, 27 सितंबर 2022 के दिन ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर भर्तियाँ हैं और आपकी उम्र 18 से लेकर 45 साल की इसमें मेंशन करी गई है। आखिरी डेट है शाम के 5 बजे 17 अक्टूबर 2022 तक की, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। और यह भी बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेसिस पे होगा। एजुकेशन है 10+2 का, मेरिट कैसे बनेगा, कितने नंबर आपको मिलेंगे पर सब्जेक्ट वाइज, यहां पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। और भी कई सारी यहां पे चीजें बताई गई हैं, जैसे कि 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप लोगों के पास बीपीएल फैमिली कार्ड है, एनी ब्लॉक के हैं तो 5 नंबर, और अगर आपका 40% से ऊपर, यहाँ पे नॉट लेस देन 40% अगर ऊपर है तो यहाँ पे 3 नंबर उसके भी मिल जाएंगे हैंडीकैप वालों के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के भी नंबर हैं, बीपीएल कार्ड के भी नंबर हैं, और यहाँ तक कि फिजिकल हैंडीकैप के भी नंबर हैं, कंप्यूटर के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपका पास है तो इसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, 10+2 उसके भी नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने 12वीं कॉमर्स मैथ इकोनॉमिक्स की है उसके भी आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, देख लीजिए, जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो आराम से इस फॉर्म को डाउनलोड करके भर के सेंड कर सकते हैं। बाकी बने रहिएगा, मैं आपको और भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट पर आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई हुई है। काफ़ी अच्छी भर्ती आ चुकी है, ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ग्राम रोजगार सेवक की पोस्टें मिलेंगी, सिलेक्शन पूरी तरह से बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के मेरिट के ऊपर बेसिस होने वाला है। ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आने वाली 17 अक्टूबर 2022 तक का समय है, आपको ऑफलाइन तरीके से शाम के 5 बजे से पहले अप्लीकेशन फॉर्म को भर के सेंड कर देने हैं। इस वैकेंसी के लिए महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, ऑल इंडिया लेवल की आपको भी मिलेगी, और आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल की होनी चाहिए। बात करें आखिरी डेट की, तो 17 अक्टूबर 2022 आखिरी डेट है, 10-12 पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल कंप्यूटर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपके पास है तो आपको मेरिट बनने में सहायता मिलेगी, और उसके अंदर आपको कई सारे नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यहां तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत ही अच्छी वीडियोज लेकर आता हूं इस चैनल पर जो कि आपके काम की होती हैं। चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर।
दोस्तों आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक भर्ती आ चुकी है 2022 के लिए। ग्राम रोजगार सेवक भर्ती योग्यता 10वीं 12वीं पास, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, ग्राम रोजगार सेवक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर पोस्ट भी सेम है, वेरियस नंबर वैकेंसी हैं। फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो कि 17 अक्टूबर 2022 तक भरे जाएंगे। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करने होंगे। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, एजुकेशन यानी कि योग्यता के बारे में, 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आपके एज क्या रहेगी, तो एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल की होनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन आपका पूर्णतः मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, और इसके बाद आप लोग जो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका वेतन इनके रूल के हिसाब से रहेगा, इन्होंने अभी जो है तो बताया नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर। एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है, क्योंकि कोई जिक्र नहीं है इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैसे आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे उसके बारे में जानकारी है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर देखें, आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन का सेक्शन है डाउनलोड नोटिफिकेशन का, ये गूगल ड्राइव के अंदर नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन और भी ऐड करी गई हैं, जो कि एफ एंड क्यूज करके हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन को इनबिल्ड कर दिया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ। अगर आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो अभी के अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।